OnePlus ने अपने फोन्स के बीच एक बॉर्डर बना के रखी थी, एक जो प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करता था और एक जो बजट से थोड़ा ऊपर एक ब्रांडेड फोन लेना चाहता था। बट OnePlus के इस नए Nord 4 के साथ शायद OnePlus ने वो बॉर्डर अब मिटा दी है, जो कि यूजुअली कुछ बॉर्डर्स के मामले में नहीं होता, चाहे वो फिर एक क्रिकेट मैच क्यों ना हो। Nord 4 शायद अपने पुराने Nord सीरीज के फोन्स को पीछे छोड़ आ चुका है, बिकॉज इस फोन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डिज़ाइन काफ़ी मज़ेदार है। इसका डिस्प्ले आप देखोगे 6.74 इंच का फुल एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एकदम स्मूथ डिस्प्ले है, फिर 2150 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, HDR10+ भी सपोर्ट है। तो अगर आप इसको आउटडोर्स भी यूज़ करते हो, कहीं धूप में जाते हो, तो भी फ़ोन की ब्राइटनेस में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो डिस्प्ले के मामले में ये बहुत ही तगड़ा फ़ोन। एक पॉइंट थोड़ा सा ज़रूर डाइसी है अगर देखा जाए इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन आप देखोगे फुल ग्लास फ्रंट मिलेगा आपको और पीछे एक एल्यूमिनियम बैक का सिंपल सा पार्ट है, जो थोड़ा बहुत पिक्सल्स को रिप्रेजेंट ज़रूर करता है गूगल से जो आते हैं। बट ये डिज़ाइन ऐसा है कि कुछ लोगों को शायद बहुत पसंद आए और कुछ लोग को बिल्कुल ही पसंद आए, तो ये तो पर्सनल चॉइस होगी जिसको आप डिसाइड कर सकते हो। नेवर माइंड, ड्यूल सिम स्लॉट सपोर्टेड है इस फ़ोन में, IP65 वाटरप्रूफ एंड डस्ट रेजिस्टेंट ज़रूर है ये फ़ोन, और साथ ही साथ आप इसको बारिश में टाइपिंग वगैरह ये सब के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे OnePlus रिकमेंड करता ही है। प्रोसेसर की बात करें, Snapdragon 7 Plus थर्ड जनरेशन 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है ये फ़ोन, तो इसका प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है। इसके प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी कंपेटिटिव है और AnTuTu स्कोर भी अगर इसका आप देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन है। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने मिलेगा, गेमिंग भी एकदम स्मूथ होगी, तो यू कैन बी वेरी रिलैक्स्ड। स्टोरेज वेरियंट्स और रैम की बात करें हम, तो अलग अलग वेरियंट्स आते हैं इसमें, 128GB स्टोरेज, 8GB रैम, 256GB, 12GB, 512GB, 16GB और 256GB, 12GB, ऐसे अलग अलग वेरियंट्स आते हैं और उस हिसाब से उसकी प्राइस 1-2 हज़ार से ऊपर नीचे भी होगी। YouTube देखने का अगर आपको शौक है, जैसे आप इस वीडियो को देख ही रहे हो, तो इस फ़ोन पर 17 घंटे नॉनस्टॉप आप YouTube देख सकते हो, और वो कमाल की चीज़ हो पा रही है इसकी बैटरी की वजह से, जो कि है 5500 mAh की बैटरी और साथ ही साथ 100W का फास्ट चार्ज है। यानी कि इस फ़ोन को आप 0 से 100 सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब इस फ़ोन को आप तभी नीचे रखोगे जब आपका हाथ पूरी तरीके से थक जाएगा, मतलब अरे YouTube यूज़ कर करके। मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक वर्ड कहा था शायद, Nord 4 शायद अपने पुराने Nord सीरीज के फ़ोन्स को पीछे छोड़ आ चुका है, और सिर्फ एक चीज़ के लिए था, वो था इस फ़ोन का कैमरा। Nord सीरीज अगर आप फॉलो करते आए हो तो हमेशा से Nord सीरीज का एक सेटबैक रहा है, वो है इसका कैमरा सेगमेंट। इस Nord सीरीज के साथ अगर आप देखोगे ऑन पेपर टॉप नॉच फीचर्स है, 50MP सोनी का सेंसर है बैक पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ, साथ ही साथ सेकेंडरी में 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है और फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा है। बट अगर इसकी परफॉर्मेंस आप देखोगे, स्पेशली सेल्फी कैमरा, तो बहुत ही एवरेज है। डे लाइट में बहुत ही सॉफ्टनेस लाता है आपकी फ़ोटोज़ में, और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। मतलब इसको मैं ख़राब तो नहीं कहूँगा, बट इसके प्राइस रेंज के हिसाब से इससे थोड़े कम प्राइस में बहुत ही कम्पिटिटिव फ़ोन्स हैं जो इससे अच्छा कैमरा आपको ऑफर करेंगे। तो अगर कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में आपको सोचना है तो थोड़ा सा ये फ़ोन डाइसी हो सकता है। तो ऑल इन ऑल डिस्प्ले, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, बैटरी, सभी मामले में ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर कैमरा आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है तो शायद वर्ड के बारे में शायद से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सो इस फ़ोन के बारे में यही सारी डिटेल्स थी। मुझे बताना ज़रूर, क्या Nord 4 आपके दिल की बॉर्डर को क्रॉस कर पाया, या वो भी इस पार ही रह गया।